एडवोकेट इला गुलपुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 7 का। सर बताएंगे आज जो रोड की बड़ी खस्ता हालत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी छोटी कॉल पे यहाँ आए। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे मोहल्ले के मौजीन जो हैं यहाँ आज इकट्ठे हुए। जैसे जिस रोड पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये रोड आज से लगभग मैं कहूँगा कि 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कि इस रोड को यहाँ बने हुए, और ये यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैक्टर वगैरह जो है इस पे चल रहे हैं। आज से लगभग 5 साल पहले 2019 में इस रोड के ऊपर कोई 1.5 किलोमीटर पे मैक्टमाइज हुआ और ब्लैक टॉप हुआ, और उसके आगे जो ये रोड है, ये यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर रोड जो है, ये इस पे इन्होंने उस टाइम पे मुझे लगता है इस पे कंकरा वगैरह डाल के और रोलर वगैरह डाल के सारा काम किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम से लेके आज तक जो है हमारी रोड का बड़ा खस्ता हालत है। यहाँ एक काफ़ी तादाद में आबादी है और एक पूरा मोहल्ला है, यहाँ दूर दराज इलाका से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, और हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पे अगर कोई किसी पेशेंट को यहाँ से, बिलखसूस मैं कहूँगा कि जब कोई डिलीवरी पेशेंट यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, तो अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि इस रोड का साथ में इसके नहर भी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी नहर का भी बड़ा बुरा हाल है क्योंकि इसको भी कोई नहीं देख रहा है। और आगे जो हमारी रोड, मैंने कोई लगभग 1 महीना पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि हमारी जो रोड है उसमें महकमा इरीगेशन ने इतनी नेग्लिजेंसी शो की है कि जो रोड हमारी मैक्टमाइज हुई थी और वो रोड भी इस टाइम पूरी कूल बन गई है। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद और आप लोगों को बुलाने का यही मकसद है कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पूंछ यहाँ आए हुए हैं, वो एक नहायत ही अच्छे इंसान और वर्किंग कल्चर वाले इंसान हैं। हर इलाका में उन्होंने लोगों की मुश्किलात सुनी हैं, और आपके थ्रू हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मैटर में भी वो इंटरवेंट करें, क्योंकि ये हमारा मोहल्ला जो है बिल्कुल सिटी के एडजाइनिंग है, बताड़पुर क्रॉस करते ही यहाँ पे है, तो हमारी रोड पे भी गौर व फिक्र किया जाए, इसको भी देखा जाए, इसके भी कागज़ चेक किए जाएं कि किस लेवल तक पहुंची हुई है, और हमारी इस रोड को मैक्टमाइज किया जाए ताकि जो इस एरिया के लोग हैं उनकी मुश्किलात दूर हो पाएँ। शुक्रिया।